हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर से ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में क्वाड मींस होता है फोर, लेटरल मींस होता है शेप। फोर शेप इट मींस फोर साइड से आप जो शेप बनाओगे वो होगी क्वाड्रिलेटरल। अब फोर साइड्स का जो यूज करके डिफरेंट टाइप के हमारे पास शेप बनेगी उसे हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। नंबर 1 ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स हमारे पास क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये देखिए ट्रेपेजियम की शेप होगी, ये ट्रेपेजियम। ए बी सी और ये इसमें क्या है, ये अपोजिट साइड है, ये क्या है, पैरेलल। तो ये ट्रेपेजियम की शेप। काइट, काइट देखिए काइट ऐसे बनाएंगे, ये काइट शेप, काइट। इसमें कोई नंबर आप राइट कर सकते हो, ए बी सी एंड ये डी। जो अपोजिट्स वर्टेक्स है ये हम डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अपोजिट जो वर्टेक्स है अगर उसको हमने ज्वाइन किया तो ये डायगोनल्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो शेप है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स मीन्स देखिए ये अपोजिट साइड्स, इसका कोई नाम आपने राइट किया, ए बी सी डी। अपोजिट साइड्स कौन सी होगी हमारे पास, ए बी एंड सी डी एंड बी सी एंड ए डी। अपोजिट साइड्स इस केस में पैरेलल है तो ये पैरेलल की शेप होगी हमारे पास। रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और डायमंड की जो शेप होती है बिल्कुल रोम्बस की शेप डायमंड की शेप से मैच करती है। तो डायमंड हमारे पास कैसा होता है, ये रोम्बस हम बनाते हैं। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका कोई नेम राइट किया, ए बी सी और ये डायमंड शेप रोम्बस, ऑल साइड इक्वल होगी। और जो हम अपोजिट वर्टेक्स अगर ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास डायगोनल्स होगी, ए सी एंड बी डी। इस केस में ए सी एंड बी डी डायगोनल। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता ही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल हैज 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल की शेप देखिए आपको पता है, इसमें अपोजिट साइड्स हमारे पास ये ए बी सी डी। अपोजिट साइड्स कौन सी होगी, ए बी एंड सी डी ये हमारे पास इक्वल होगी और बी सी एंड ए डी ये इक्वल होगी। तो ये इक्वल और ये, तो ये हमारे पास कौन सी शेप होगी, रेक्टेंगल। बट रेक्टेंगल में देखिए एक केस हो रहे, ईच एंगल हैज 90 डिग्री। जितने भी हमारे पास एंगल होते हैं वो कितने डिग्री का होता है, इसमें 90 डिग्री का। तो लास्ट स्टेप हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर आप कैसे बनाओगे, देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल हैज 90 डिग्री। जितने भी आप फोर साइड यूज करोगे वो इक्वल होंगी, लेकिन इस केस में क्या होगा, हर एक जो एंगल है हमारे पास वो सभी 90 डिग्री के होंगे, ए बी सी और डी। रोम्बस और स्क्वायर में यही डिफरेंस है कि स्क्वायर के अंदर तो ईच एंगल हैज 90 डिग्री, बट रोम्बस के अंदर 90 डिग्री एंगल नहीं होगी। तो ये एक सिंगल डिफरेंस है, इसमें भी ऑल साइड इक्वल होती है और स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है, बट एक सिंगल डिफरेंस 90 डिग्री एंगल्स के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इनकी शेप आपको याद रखनी अकॉर्डिंग टू द उनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग।